देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यजमान के तौर पर राम मंदिर में उपस्थित रहेंगे। उससे पहले उन्होंने 11 दिन के अनुष्ठान का ऐलान किया है। पीएम मोदी इस अनुष्ठान का तहे दिल से पालन कर रही हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पीएम हर वो काम कर रहे हैं जो इस दौरान शुभ माना जाता है। मसलन सूत्र बताते हैं कि उन्होंने फर्श पर सोना शुरू कर दिया है। दिन में कुछ देर के लिए वो मौन रहने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, पीएम इन दिनों सात्विक भोजन कर रही हैं और भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। इसी बीच पीएम मोदी की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी गायों के साथ वक्त बिताते हुए नजर आ रही हैं। पीएम की ये तस्वीरें ऐसे वक्त में आई हैं जब पूरा देश मकर संक्रांति का पर्व मना रहा है। पीएम ने इस खास मौके पर अपने आवास पर कुछ गायों को चारा खिलाया, तिल से बने लड्डू खिलाए, उन्हें दुलारा और फिर उन्हें स्नेह किया। बेहद सादे अंदाज में देश के प्रधानमंत्री को देख हर कोई अभिभूत हो गया। पीएम के आसपास सफेद और काले रंग की गाय दिख रही है। गाय के बछड़ों को भी पीएम प्यार करते हुए नजर आए। पीएम मोदी अपनी इन तस्वीरों से एक बार फिर सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने हर सनातन विरोधी को ये संदेश दिया कि इस देश का प्रधान सेवक सच्चा सनातनी है। आपको बता दें, ऐसी मान्यता है कि गाय में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ माना गया है। आप भी अगर चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी का वास हो, साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो, तो आप मकर संक्रांति के दिन गाय को चारा जरूर खिलाएं। नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पोंगल सेलिब्रेट किया, आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रही हैं। बाकी आप मोदी के इस अंदाज को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।